मैं अहमदाबाद में रमेश दत्त कॉलोनी में सरदार नगर रहती हूँ, और वहाँ से मैं 40 साल से रहती हूँ, लेकिन अभी 5-6 साल ही हुआ हमारे यहाँ सब सुविधा आई। प्राथमिक सुविधा नहीं थी हमारे यहाँ, तो हम वो लेने के लिए कितना हमने पैसा भी खर्चा किया। लाइट लेने की थी तो लाइट के लिए भी किसी को पैसा खिलाया, लेकिन लाइट तो नहीं आई। लेकिन 2003 में महिला मंडल वाले जो आए बहनों, तो हमको बोलने लगे सरकार ने तुम्हारे लिए ऐसा परिवर्तन योजना आई है, उसका लाभ हम दिलवाते हैं, उसके लिए 2100 रुपया भरना पड़ेगा टैक्स के रूप में। 10-12 बहनों को लेके गए दूसरे एरिया में, जहाँ उनका काम हुआ था वो दिखाया, जड़ीबा नगर में काम हुआ था, बहुत दूर था, तो भी हमको लेके जाके दिखाया ऐसा काम हमने किया है। वो बहनों भी बोलने लगे हमने इतना पैसा भरा है, हमको सब सुविधा आई है। फिर हमको ऐसा लगा कि हमारा भी काम हो सकेगा, लेकिन हमने बोला हमको पहला लाइट नहीं है, हमारे एरिया में लाइट नहीं है तो हम लोग कितने मुसीबत में दिन निकलते थे। दिन है तब तक ही खाना बिना खा के सो जाते थे, दिन है तब तक ही काम करने का, रात को कुछ नहीं कर सकते थे। पानी नहीं मिलता तो नदी पे जाना पड़ता था नहाने धोने के लिए, जहाँ किसी के पास पानी है तो वहाँ जाके हम पीने का पानी भर सकते थे, वहाँ भी झगड़ा होता था बहुत सारा। लेकिन 2003 से जब ही वो बहनों आई तो हमारे यहाँ घर घर लाइट दिया। फिर हमारा 2100 रुपये भरने का था ना परिवर्तन योजना लेने के लिए, इसके लिए तो हमने मंडल बनाया, और वो मंडल के मैं अभी प्रमुख हूँ, और सब लोगों को मंडल बनाने में प्रवृत्त भी किया। सब लोग हमारे मांग थी ने तो लेने के लिए कॉर्पोरेशन में जाते थे, वहाँ मांगते थे कि भाई हमको ये सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए, तो वो भी लिया, लड़ लड़ के लिया। फिर हमारे मंडल होने की वजह से हमारे को वो डोर टू डोर की स्कीम भी मिला, हमारे 9 बहनों को रोजी रोटी मिली। तो ऐसा करते करते हमारा एरिया में पूरा हो गया, लाइट आई है, हमारे बच्चे अभी पढ़ने लगे, काम धंधा बढ़ गया, घर बैठे बैठे लोग ज़्यादा कमाने लगे। फिर हमने सोचा दूसरे लोग अड़ोस पड़ोस वाले बस्ती वाले हमारे यहाँ आने लगे, ये तुम्हारा तो कितना अच्छा हो गया, घर घर पानी आया, झाझरू आया, और पत्थर बैठे, बरसात का पानी भी नहीं रुकता है, अभी कितना अच्छा हुआ, हमारा भी कुछ करो न। तो हमने महिला मंडल वाले को MST में जाके बोला कि ऐसे लोग वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ सुविधा करके दे दो। वहाँ से बोला हमको कि तुम उनका नाम भीम सब लिख के लेके आओ। तो हमने एक कागज़ पे उनका नाम लिखा, उसकी सही लिया, और उसके उनके लिए अर्जी करने के लिए महिला मंडल में प्रोसेस चालू है। उनका 2 जगह का मैंने तो काम किया, हमको सबका सब जगह का काम करने का है। तो विकासनी महामंडल बनाया, ऐसे सब जगह एरिया के जो हमारा मंडल था उसमें से मैं आई, दूसरे जगह से भी एक दो बहनों या ऐसे 35 बहनों का एक महामंडल बनाया। अभी पूरा अहमदाबाद का हम लोग ख्याल रखते हैं। तो हम जहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ सकते तो सरकारी जो भी लिखान आवे तो हमारे भाषा में आवे ऐसा लगता है, और वो हम हमारे एरिया के लोगों को बता सकेंगे कि भाई ये सुविधा है। हमको सीलिंग छत, पक्की छत चाहिए, ऐसी मांग तो हमारी है, देखते सरकार के पास मांगते और मिलेगा तो अच्छा ही है। दस्तावेज भी चाहिए, नहीं तो कभी भी हमको उठा सकते है, वो जगह हमारी नहीं है, हमने जो जहाँ भी घर बांधे वो जगह सरकार की है क्या किसी की मालकी है की है मालूम नहीं, लेकिन सब लोग आके इतने साल से बैठे है उधर तो बैठे, लेकिन दस्तावेज होगा तो हमको कोई उठाएगा नहीं ऐसा लगता है। प्रीतिबेन वॉज डिस्क्राइबिंग प्रोजेक्ट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉल्ड स्लम नेटवर्किंग और परिवर्तन, विच शी फॉर्म्ड हेल्प्ड टू फॉर्म अ लोकल मंडल लोकल ऑर्गेनाइजेशन इन हर एरिया एंड दे मैनेज टू जॉइन इट कलेक्ट मनी एंड जॉइन इट एंड नाउ दे हैव एवरी ऑल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शी इज हेल्पिंग अदर areas to get to form their own mandals and get the same basic infrastructure. Her main thing is right now that she needs some kind of papers to prove ownership or some tenure form of where they live, and she also says that everything is good except she needs a pakka roof.